जेएनयू में विद्यार्थी पर हुमला की घटना बनता तेना घेरा प्रत्याघात पड़ा। कांग्रेस में जेएनयू में विद्यार्थी पर थयेला हुमला मुद्दे केन्द्र सरकार पर गंभीर आक्षेप कर्या हता। 1933 की हिटलर की नाजी जर्मनी की याद 90 साल के बाद दोबारा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरे देश के युवाओं और छात्रों पर दमन चक्कर चलाकर याद दिला दी। जिस प्रकार से हिंसा का नंगा तांडव कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सरकारी संरक्षण में हुआ, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर सारी लाइटें बंद कर लड़कियों के हॉस्टल पर आक्रमण बोला गया, मुंह पर कपड़ा बांधे लाठी रॉड्स लिए गुंडों के द्वारा, जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अध्यापकों पर जो केवल हिंसा को रोकना चाहते थे उन पर हमला बोला गया, जिस प्रकार से साबरमती हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल, पेरियार हॉस्टल और आधा दर्जन और हॉस्टल्स में जाकर गुंडों द्वारा लाठियों, लोहे की रॉडों, शीशे की बोतलों द्वारा एक एक छात्र को पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, अमित शाह जी आप इस देश के युवाओं और छात्रों से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? जब इस देश के युवा और छात्र फीस वृद्धि के लिए पूरे देश में आंदोलन करते हैं तो मोदी जी आपकी सरकार उन पर लाठियां भांजती है। जब इस देश के छात्र संविधान बचाने के लिए संविधान बचाओ रैलियां निकालते हैं तो आपकी सरकार उन पर लाठियां भांजती है, उनको देशद्रोही कहती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है। ये वही छात्र हैं मोदी और शाह जी जिनको वही युवा हैं जिनको सबज बाग दिखाकर 2 करोड़ रोजगार का वायदा देकर आप सत्ता में आए थे, आज उन्हीं युवाओं की आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो युवा देश के संविधान पर होने वाले हमलों, देश के प्रजातंत्र पर होने वाले हमलों, फीस वृद्धि पर होने वाले हमलों, शिक्षा पर होने वाले हमलों, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर होने वाले हमलों, उनके खिलाफ जब वो विरोध करते हैं तो मोदी जी आप उनकी आवाज दबाते हैं। ये समझ लीजिए उनकी आवाज कभी दब नहीं पाएगी, उनकी युवा और छात्रों की आवाज जितना दबाएंगे वो उतना बुलंद होगी। पुलिस को दमन का हथियार बनाना बंद कीजिए मोदी जी और शाह जी।